प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धीरे धीरे यहाँ के घाटों की तस्वीरें बदल रही हैं। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। माँ गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी है। काशी की एक बड़ी समस्या लटकते बिजली के तार भी रहे हैं। आज काशी का बड़ा क्षेत्र बिजली के तारों के जाल से मुक्त हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली के मंत्र की गूंज चारों तरफ है। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान स्थानीय उत्पाद खरीदेगा तो नए नए लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएंगी। रिपोर्ट IPN। छठ का आप सब लोगन के बहुत बधाई हो। माता अन्नपूर्णा आप सबके धन धान्य से समृद्ध करें। हमार कामना हो कि बाजारन में रौनक और बढ़े, मेरी काशी की गलियां गुलजार हो और बनारसी साड़ियों का कारोबार भी चमके। कोरोना से लड़ते हुए भी हमारा किसान भाई खेती पर खूब ध्यान दिलन। बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में यह बार अगहनी फसल अच्छी हो, इसकी खबर मितल हो। किसान का परिश्रम स्वतः के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के काम आवेला। आप अन्य देवता लोगन का बहुत अभिनंदन हो। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, बनारस के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है। माँ गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही। कोरोना के खिलाफ बनारस ने जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जिस सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। अब आज इसी कड़ी में बनारस के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। वैसे ये भी महादेव का आशीर्वाद ही है, जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। यानी एक तरफ शिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकार्पण। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ करीब 400 करोड़ रुपए की
14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मैं सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को बहुत बधाई देता हूं।